नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की। और उसके साथ ही अगर हम मार्केट की बात करें, जो कंडीशन है वो अभी भी यहाँ पर क्रिटिकल बनी हुई है। मतलब अगर हम BTC की बात करें, जो यहाँ पर 20,000 था उसे तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पर जो $18,000 का एरिया है, कहीं ना कहीं उसे भी ये ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करें, वो भी यहाँ पर $1 trillion के नीचे बना हुआ है, $816 billion। और लास्ट 24 आवर्स में ऑलमोस्ट यहाँ पर 8% का डाउनफॉल आप देख सकते हैं, जो मार्केट में अभी भी देखने को मिल रहा है। वीकेंड होने की वजह से वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन उसके साथ ही अगर हम यहां पर बात करें लास्ट कुछ दिनों की, लगातार यहां पर जो डाउनफॉल है वो बना हुआ, और कहीं ना कहीं BTC यहां पर स्टेबल होता हुआ अभी भी नजर नहीं आ रहा है। मतलब जो यहां पर एरिया है 15,000 और $16,000 का, वहां तक भी इसकी पहुंचने की संभावना है यहां से लग रही है। क्योंकि अगर हम 20,000 की बात करें, जो यहां पर सपोर्ट का काम कर रहा था कुछ दिनों से, उसे उसने ब्रेक किया, वो यहां पर लोवेस्ट आप देख सकते हैं $17,000 तक ये हिट करके आया हुआ है। इसके अलावा अगर हम ETH की बात करें, वो भी यहां पर $1,000, मतलब दिसंबर 2020 के बाद से ये अपने लोवेस्ट लेवल पर आ चुका है। चाहे वो BTC हो, चाहे वो ETH हो, टॉप टू वर्ल्ड क्रिप्टोकरेंसीज जो यहां पर अच्छी खासी डाउन में जा रही है। और काफी सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो अब इसे बबल कह रहे हैं, स्कैम कह रहे हैं, कि यहां पर इनका प्राइस जो है वो अब कभी बढ़ने वाला नहीं है, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये वही लोग हैं जो आने वाले टाइम में ये कहेंगे कि यहां पर एंट्री लेना बनती थी, और इसमें वो खुद भी इन्वेस्ट करेंगे और पूछेंगे कि कब यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी जिस प्रकार की कंडीशन बनी हुई है, कहीं ना कहीं प्राइस में यहां पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और प्राइस और थोड़ा डाउन में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि यहां से बाउंस बैक करेगा, लेकिन फिर भी आने वाला जो फ्यूचर है उसमें कहीं ना कहीं जो रिकवरी है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन रिकवरी में अभी भी यहां पर टाइम लग सकता है। अगर हम अदर कॉइन्स की बात करें, जो ऑल्ट कॉइन्स है उनमें भी आप देख सकते हैं जो डाउनफॉल है वो देखने को मिल रहा है। कार्डानो 8.27% डाउन में, इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर शिवा की, वो भी 8% डाउन में, और अभी ट्रेड कर रहा है 0.000007 की सीरीज में। अब आते हैं क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स की। तो सबसे पहली अपडेट, क्रिप्टो मार्केट टंबल्स एज BTC ब्रेक्स प्रीवियस साइकल्स हाई। अगर हम अभी BTC के प्राइस की बात करें, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसने अपना जो प्रीवियस साइकिल हाई था उसे यहां पर ब्रेक किया हुआ है। मतलब अगर हम यहां पर दिसंबर 2020 की बात करें, उसके बाद से अपने लोवेस्ट लेवल पर पहुंच चुका, और ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ है। मतलब अगर हम BTC की बात करें, ETH की बात करें, जो डाउनफॉल यहां पर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से अगर आप देखें तो कंडीशन यहां पर अभी काफी ज्यादा वर्स बनी हुई है, और काफी सारे इन्वेस्टर्स अभी इस कंडीशन को लेकर यहां पर परेशान भी नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही अगर हम ETH की बात करें, तो ETH में भी यहां पर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और आप यहां पर देख सकते हैं, जो एनालिस्ट हैं उनका यह मानना है कि इथेरियम में 60% का ड्रॉप भी यहां पर और देखने को मिल सकता है, और उसके साथ ही इसका जो प्राइस है वो यहां पर और ज्यादा डाउन में आ सकता है। मतलब अभी अगर आप देखें, $1,000 को इसने ब्रेक किया है, और 18 मंथ के लोएस्ट लेवल पर ये अभी पहुंच चुका है। जिस प्रकार से यहां पर फेडरल रिजर्व के द्वारा जो बेसिक पॉइंट्स के हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, और जुलाई में भी जो मीटिंग होगी उसमें भी कहीं ना कहीं इसे इंक्लूड किया जाएगा, तो उस बेसिस पर अगर आप देखें तो यहां पर इनका यह मानना है कि जो ETH है उसमें और ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब आते हैं अगली अपडेट की ओर। एलोन मस्क हिंट्स ट्विटर विल इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट्स इफ हिज टेक ओवर बिड इज सक्सेसफुल। जहां पर एलोन मस्क का एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया हुआ है क्रिप्टो को लेकर। वैसे अगर हम एलोन मस्क की बात करें, दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, और उसके साथ ही क्रिप्टो को ही लगातार सपोर्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी इन्होंने क्रिप्टो के बारे में कोई भी नेगेटिव बात कही है, और अभी भी अगर आप देखें यहां पर एक बड़ा स्टेटमेंट आया हुआ है इनकी तरफ से कि अगर यहां पर जो इनकी ट्विटर बीड है वो सक्सेसफुल हो जाती है। मतलब अभी भी अगर आप देखें यहां पर जो मीटिंग से वो हो रही है, $44 billion की जो डील है वो अभी भी यहां पर होल्ड पर है, और अगर ये कंप्लीट होती है और यहां पर ट्विटर पर इनका टेक ओवर होता है, तो वो यहां पर क्रिप्टो को एज अ पेमेंट यूज कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने यहां पर कहा हुआ है। मतलब जो मीटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं इनके द्वारा क्रिप्टो के बारे में लगातार कहा गया, और इन्होंने यहां पर ऐसे हिंट दिए ट्विटर विल इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट्स। अगर ट्विटर यहां पर क्रिप्टो पेमेंट्स को इंटीग्रेट करता है तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव अप्रोच होगी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए भी, क्योंकि ट्विटर एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म, और उसके साथ ही एलोन मस्क जो एक काफी बड़ा नाम है वो यहां पर डायरेक्टली सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे। लेकिन अभी अगर हम देखें मार्केट की जैसी कंडीशन है, कहीं ना कहीं उस पर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। अब आते हैं अगली अपडेट की ओर। नाइब बुकेले जो यहां पर एल सेल्वेडोर के प्रेसिडेंट है, उनका भी एक स्टेटमेंट आया हुआ है, आई सी दैट सम पीपल आर वरीड और एनक्यूस अबाउट द BTC मार्केट प्राइस। जहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी काफी ज्यादा चिंतित है BTC को लेकर, मार्केट प्राइस को लेकर, इसका प्राइस
लगातार डाउन में जा रहा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक एडवाइस दी है, स्टॉप लुकिंग एट द ग्राफ एंड एंजॉय लाइफ। जहां पर आप ग्राफ को अभी ना देखें और लाइफ को एंजॉय करें और थोड़े दिन मार्केट से थोड़ा दूर रहे तो ज्यादा बेटर होगा। इफ यू इन्वेस्टेड इन बीडीसी, योर इन्वेस्टमेंट इज सेफ एंड इट्स वैल्यू विल इमेंसली ग्रो आफ्टर द बियर मार्केट। जहां पर इनका मानना है कि अगर आपने बीडीसी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपका जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में है वो सेफ है और बहुत जल्द इसकी जो वैल्यू है वो ग्रो होते हुए नजर आएगी आफ्टर द बियर मार्केट, मतलब जब यहाँ पर बियर मार्केट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जहाँ पर बुल रन देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं वहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा ग्रो होता हुआ नजर आएगा। पेशेंस इज द की। अभी की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर पेशेंस के साथ अपने क्रिप्टो को होल्ड करके रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पर सेल कर देंगे तो आने वाला जो टाइम है कहीं ना कहीं रिकवरी की अगर हम बात करें, रिकवरी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन तब तक भी आपको यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी में अगर आप यहाँ पर अपने क्रिप्टोज को सेल कर देंगे जिनको आपने हाई प्राइस पर ट्रस्ट के साथ खरीदा था तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा लॉस आप यहाँ पर उठा सकते हैं। और कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब हम आपको मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।